अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग ठीक होंगे। जो पिछला लेक्चर मैंने पुट लेबर किया था, उसमें ये देखा था कि मैसम को किस तरह से इंस्टॉल करना है, डॉस बॉक्स साथ में कैसे यूज़ करना है, और फिर एक प्रोग्राम हमने लिखा था और उसको उसमें बेसिकली एक सिंपल एक स्ट्रिंग को प्रिंट किया था 09 सर्विस यूज़ करते हुए। और वो कोड बेसिकली ये था जो आपके सामने नज़र आ रहा है इस वक्त, जिसमें हमने पहले सेगमेंट को इनिशियलाइज़ किया था, डेटा सेगमेंट को, फिर 09 सर्विस यूज़ करते हुए हमने एक स्ट्रिंग प्रिंट की थी, और फिर हमने 4C सर्विस यूज़ करते हुए प्रोग्राम को टर्मिनेट किया था। और नीचे डेटा सेगमेंट में हमने वो स्ट्रिंग एक डिक्लेयर की थी जो डॉलर साइन से टर्मिनेटेड थी। ठीक है, तो फिर हमने इसको असेंबल किया और इसको फिर हमने डिबगर में लोड किया, फिर इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखा था। ठीक है, तो आई होप वो चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसमें थोड़ा सा और हम आगे देखना चाह रहे हैं कि अगर हमने मल्टीपल स्ट्रिंग्स प्रिंट करनी हो, और लेट से हर स्ट्रिंग जो है वो न्यू लाइन पे प्रिंट करनी हो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो लेट से हम यहाँ पे अब ये करते हैं कि हम दो स्ट्रिंग्स प्रिंट करेंगे, और वो जो है पहले एक स्ट्रिंग प्रिंट करेंगे और फिर जो दूसरी स्ट्रिंग है उसको न्यू लाइन पे जाके प्रिंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये तो वैसे ही यूज़ करेंगे हम डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक 100H। ठीक है, और फिर डॉट कोड, ठीक है, हम यूज़ करेंगे। उसके बाद कोड सेगमेंट के अंदर हम मेन प्रोसीजर ये स्टार्ट होगा उसका, और ये उसका एंड होगा। ठीक है, मेन एंड पी, और बीच में ये सारा कोड होगा जो भी आपने लिखा है। ठीक है, और उसके बाद आपको याद है कि हमने कहा था डेटा सेगमेंट डिक्लेयर करना है, ये आप डॉट कोड से पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। और उसके अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं ये स्ट्रिंग्स वगैरह हैं तो वो हम डिक्लेयर करते हैं। वहाँ एक ही स्ट्रिंग थी तो ये डिक्लेयर की थी हमने। ठीक है, और उसके बाद जो एंटायर प्रोग्राम की लास्ट लाइन थी वो एंड और मेन प्रोसीजर का नाम, तो ये प्रोग्राम लिखा था हमने। ठीक है, और इसको फिर असेंबल करके और इसको फिर डिबगर में भी रन करके देखा था, और वैसे भी हमने इसको कमांड प्रॉम्प्ट पे एग्जीक्यूट करके देखा था। अब हम लेट से हम ये चाहते हैं कि हम इसमें दो स्ट्रिंग्स जो हैं वो लेट से एक स्ट्रिंग वन है, ठीक है, लेट से गुड मॉर्निंग ही है वो टर्मिनेटेड बाय डॉलर साइन है, और एक और स्ट्रिंग हम लेट से स्ट्रिंग टू ले लेते हैं। ठीक है, दैट इज़ डिफाइंड बाइट, और लेट से हम यहाँ पे क्या देते हैं, गुड आफ्टरनून, फाइन, एंड लेट से दिस इज अगेन टर्मिनेटेड बाय डॉलर साइन। ठीक है, एंड दैट्स इट। अब हम इन दोनों स्ट्रिंग्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो ऑब्वियसली सबसे पहला काम तो हम यही करेंगे कि ये सेगमेंट रजिस्टर को इनिशियलाइज करेंगे, डेटा सेगमेंट रजिस्टर को। तो सबसे पहले मूव एक्स कॉमा एट द रेट साइन डेटा, उसके बाद फिर हम मूव डी एक्स कॉमा एक्स। तो ये दो इंस्ट्रक्शन जो हैं ये बेसिकली डेटा का जो भी सेगमेंट नंबर है पहले वो किसी जनरल पर्पज रजिस्टर में ले आते हैं, और फिर वहाँ से डी एस रजिस्टर में इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद लेट से हम पहली स्ट्रिंग को प्रिंट करना चाहते हैं, तो मूव एच कॉमा 09 सर्विस नंबर, जो कि 09 है, डी एक्स में उस स्ट्रिंग का स्टार्टिंग एड्रेस लेके आना है, तो मूव डी एक्स कॉमा ऑफसेट ऑपरेटर यूज़ किया और स्ट्रिंग वन का नाम दे दिया। तो ये इंस्ट्रक्शन जब एग्जीक्यूट होगी तो ये स्ट्रिंग वन का ऑफसेट डी एक्स में ले आएगी, और उसके बाद इंटरप्ट 21 जो है वो ज़ाहिर है जब हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये स्ट्रिंग वन को प्रिंट कर देगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम स्ट्रिंग टू को भी प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, हम यही जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको हम रिपीट करेंगे, लेकिन अब हम डी एक्स में सर्विस, जो डी एक्स में ऑफसेट एड्रेस है वो स्ट्रिंग टू का लेके आएंगे। ठीक है, स्ट्रिंग टू का ऑफसेट एड्रेस हमें पता है, ये स्ट्रिंग टू जो है ये स्ट्रिंग टू के नाम से डिफाइन की हुई है। ये कोई रिजर्व वर्ड नहीं है, आप कोई भी S2 S1 S2 रख सकते हैं, ये कोई भी नाम रख सकते हैं। सो स्ट्रिंग टू डी बी गुड आफ्टरनून, तो जब हम ये इंस्ट्रक्शन यूज़ करें मूव डी एक्स ऑफसेट स्ट्रिंग टू, तो अब डी एक्स में स्ट्रिंग टू का स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा, जो भी ये इस गुड आफ्टरनून के ये जी जो कैपिटल जी, इसका स्टार्टिंग एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब हम इंटरप्ट एग्जीक्यूट करेंगे तो वो ज़ाहिर है वो स्ट्रिंग टू को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है,
तो और उसके बाद प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए ये दो इंस्ट्रक्शन हैं, ठीक है। अब हम लेट से अभी यहाँ तक जो हमने कोड लिखा है इसको ज़रा एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। तो ये डिस्प्ले टू, ये मैंने नोटपैड में इस दफ़ा लिख दिया है, ठीक है। लेकिन आपने इस प्रोग्राम को सेव वहीं करना है जहाँ पे आपकी MSM फाइल की जो फाइल है वो पड़ी हुई है, ठीक है। यानी वो जो फोल्डर आपने जहाँ पे कॉपी किया था उस फोल्डर के अंदर ही आपने ये फाइल रखनी है, ठीक है। वो सी में रखी थी, पिछला लेक्चर अगर आप देखेंगे ना तो उसी की कंटिन्यूशन में ये लेक्चर है। तो आप वो एडिट के साथ कर लें या ये नोटपैड में कर लें, ठीक है। लेकिन इसको सेव आपने वहीं करना है, ठीक है, जो MSM का फाइल फोल्डर आपने बनाया था, ठीक है। तो ये मैंने बहरहाल इसको ये सेव कर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जो डॉस बॉक्स है उसमें उसी तरीके से आप डॉस बॉक्स को रन करेंगे और यहाँ आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम इसको असेंबल करते हैं, ठीक है। इसको हम असेंबल करते हैं, तो ये ध्यान में रखें कि वो माउंट वगैरह और वो उसी तरह से करना है जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको असेंबल करने लगा हूँ इस प्रोग्राम को, मैसम, और प्रोग्राम का नाम है डिस्प्ले टू, लेट्स से, ठीक है। और सेमी कॉलन, पिछला लेक्चर देख लीजिएगा, उसके बाद ये लेक्चर आप कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है। ये एंटर किया तो यहाँ पे अच्छा ये डिस्प्ले टू जो है इसको अभी यहाँ नहीं मिल रही, डिस्प्ले टू, तो इसको मैं सेव एस करता हूँ। और इसका जो हाँ मैसम है, और मैसम के अंदर इसका जो फाइल का नेम है डिस्प्ले टू डॉट ASM, तो इसको ज़रा दोबारा इसको हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। यस इसकी स्पेलिंग प्रॉब्ली DIPLAY2, तो इसलिए प्रॉब्लम। तो हम इसको दोबारा असेंबल करते हैं, इसके स्पेलिंग तो ये जो भी चले नाम रखा हुआ DIPLAY2, ठीक है। तो DIPLAY2 तो ये हमने नाम रखा, तो इसको असेंबल करें तो कोई एरर नहीं है। उसके बाद हम इसको लिंक करते हैं DIPLAY2, ठीक है, सेमी कॉलन एंड पे डाल दें, ठीक है, एंटर कर दें। और अब आप इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो एक तो हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, जस्ट प्रोग्राम का नाम लिखें DIPLAY2, ठीक है। ये जब हम एग्जीक्यूट करेंगे, ओ तो ये क्या हुआ, इसने सबसे पहले गुड मॉर्निंग प्रिंट किया और उसके फ़ौरन बाद गुड आफ्टरनून, जो दूसरी स्ट्रिंग है। अगर आप देखें इधर तो इसमें स्ट्रिंग वन इज़ गुड मॉर्निंग और उसके बाद स्ट्रिंग टू जो है दैट इज़ गुड आफ्टरनून। तो इसने पहले गुड मॉर्निंग डिस्प्ले किया और उसके फ़ौरन बाद जो सेकंड स्ट्रिंग है स्ट्रिंग टू उसको डिस्प्ले कर दिया। तो ये न्यू लाइन पे नहीं लेके आई, उसकी वजह बेसिकली ये है कि हमने स्ट्रिंग वन जहाँ पे टर्मिनेट हुई उसके फ़ौरन बाद स्ट्रिंग टू जो है वो स्टार्ट होगी। अभी मैं इसको डिबग में भी दिखाऊंगा, तो इनकी एड्रेसेस वगैरह आपको मैं दिखाऊंगा कि जहाँ पे स्ट्रिंग वन कंप्लीट हुई है उसके एंड पे डॉलर साइन है तो उसके वेरी नेक्स्ट एड्रेस के ऊपर जो स्ट्रिंग टू है वो स्टार्ट हो जाती है, उसका कैपिटल जी का कोड आ जाता है, एंड सो ऑन। लेकिन हमें अगर न्यू लाइन पे लाना है तो उसके लिए, जैसे कि मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि न्यू लाइन के लिए दो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं 10 और 13, ये हमें जो है वो शुरू में ये दो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, एक लाइन फीड के लिए और एक कैरिज रिटर्न के लिए, ठीक है। ये दोनों हमें शुरू में जब भी किसी स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना है और उसको न्यू लाइन पे लेके आना है तो आप शुरू में ये दो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों डेसिमल में नंबर्स 10 और 13 मैंने दिए हैं। आप 10 और 13 की बजाय 10 इज़ 0A एंड 13 इज़ 0D आप हेक्स में वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फिर साथ एच लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मैसम में एच नहीं यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए ये बाई डिफ़ॉल्ट डेसिमल में नंबर यूज़ हो रहे हैं। तो 10 और 13 दो कंट्रोल कैरेक्टर्स ये बेसिकली न्यू लाइन पे लेकर आएंगे, ठीक है। तो लेट्स सी, इसको सेव करते हैं, ठीक है। और अब इसको हम दोबारा इसको पहले असेंबल करते हैं, ठीक है, फिर इसको लिंक करते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है।
नाउ यू कैन सी के सबसे पहले स्ट्रिंग वन प्रिंट हुई और उसके बाद न्यू लाइन पे स्ट्रिंग टू प्रिंट हुई, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज टू कंट्रोल कैरेक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से आप एक स्ट्रिंग को अगर न्यू लाइन पे प्रिंट करना है तो जैसे बैक स्लैश एन काम करता है, तो उस तरह से ये दो कंट्रोल कैरेक्टर्स जो हैं ये बेसिकली आप यूज़ करेंगे। अच्छा, अब हम ज़रा देखते हैं कि ये जो कोड हमने ये वाला बेसिकली यूज़ किया है, इसमें सबसे पहले तो ये था कि ये बेसिकली कोड है आपका, ठीक है, ये कोड है बेसिकली। तो हमने जब इसको असेंबल करके इसकी एग्जी फाइल बनाई है, ठीक है, तो हम ज़रा उस एग्जी फाइल को डिबगर में लोड करते हैं। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ डिबग। प्लीज़ इसको देखने से पहले इसका जो प्रीवियस लेक्चर है वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो डिबग और DIPLAY2.exe, आपको तो उसमें एग्जी फाइल जो लोड होगी, ठीक है, एंटर कर दें और उसके बाद अनअसेंबल कर लें। ठीक है, अच्छा ये देखें, ये बेसिकली अब अगर आप देखें तो जो कोड यहाँ पे आपको नज़र आ रहा था, तो पहली लाइन थी मूव ax कॉमा एट द रेट साइन डेटा, तो वो असेंबल होके यहाँ पे मूव ax कॉमा सम नंबर, एक्चुअली जो भी जब ये प्रोग्राम लोड हुआ तो उसको जो भी सेगमेंट नंबर असाइन हुआ तो ये लाइन उससे रिप्लेस होगी। तो मूव ax कॉमा 076b, इसका मतलब है कि आपके इस प्रोग्राम को जो डेटा सेगमेंट एलोकेट हुआ है वो 076b हुआ है। ठीक है, तो इसलिए ये जो लाइन है ये अकॉर्डिंगली इस तरह से ये चेंज हो गई। ठीक है, ये एट द रेट साइन डेटा जो है उसकी बजाय जो डेटा सेगमेंट नंबर असाइन हुआ है प्रोग्राम को लोड करते हुए वो बेसिकली यहाँ पे आ गया है। और फिर नेक्स्ट लाइन तो वही है, मूव डी एस कॉमा एक्स, लुक एट दिस, ये मूव डी एस कॉमा एक्स है। फिर मूव एच कॉमा 09, दिस मूव एच कॉमा 09, फिर मूव डी एक्स कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग वन था। अब जाहिर है ये स्ट्रिंग वन को कोई ना कोई स्टार्टिंग ऑफसेट एड्रेस असाइन हुआ है, तो ये इंस्ट्रक्शन भी बेसिकली रिप्लेस हो गई। इसमें ऑफसेट स्ट्रिंग वन जो है वो बेसिकली 0000 से रादर 0008 से रिप्लेस हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग वन जो है वो 0008 एड्रेस उसको असाइन हुआ होगा, एंड वी विल सी शॉर्टली ये 0008 एड्रेस पे स्ट्रिंग वन यहाँ से शुरू हो रही होगी जो कि गुड मॉर्निंग है। फिर इंटरप्ट 21, ये इंटरप्ट 21, ये देखें बेसिकली डिबगर के अंदर ये नंबर्स बाय डिफ़ॉल्ट हेक्साडेसिमल में है तो साथ एच नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ मैसम के जो अंदर आपने लिखने हैं प्रोग्राम्स, ठीक है, एडिटर यूज़ करते हुए, तो वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट नंबर्स जो हैं यहाँ पे वो डेसिमल में होते हैं, तो इसलिए आप एच लिखते हैं ताकि ये नंबर हेक्साडेसिमल में कंसिडर हो। तो ये यहाँ इंटरप्ट 21H, तो ये यहाँ इंटरप्ट 21 नज़र आ रहा है। अगर यहाँ आप एच छोड़ देंगे किसी वजह से तो ये उसके अगेंस्ट जो भी हेक्साडेसिमल है वो वाला इंटरप्ट यूज़ करेगा, तो डोंट डू दिस मिस्टेक। उसके बाद फिर मूव एच कॉमा 09, ये मूव एच कॉमा 09, फिर मूव डी एक्स कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग टू, तो ये मूव डी एक्स कॉमा 0015, ये देखें ऑफसेट स्ट्रिंग टू, तो स्ट्रिंग टू बेसिकली 015 एड्रेस से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और उसके बाद इंटरप्ट 21, और उसके बाद मूव एच कॉमा 4C, और फिर ये इंटरप्ट 21, तो यहाँ तक हमारा प्रोसीजर है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और देख लें कि स्ट्रिंग वन जो है इसको स्टार्टिंग एड्रेस 008 असाइन हुआ, क्लास में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो अगर 008 इसको साइन हुआ तो ये 8 9 AB, ये एक स्पेस है प्रॉब्ली, C फिर DEF फिर 10 11 12 13 और 14, और ये 15 16 और ये 17। ठीक है, ये बेसिकली सॉरी DX को ये 15, ठीक है, ये 15 पे आ रहा है, तो ये 15 एड्रेस इसको साइन हो रहा है, यानी ये अगर 008 है यहाँ पे, ये 008 है, तो ये 9 AB एक स्पेस CDEF 10 11 12 13 14 पे ये डॉलर साइन है, और 15 पे ये स्ट्रिंग टू का जो पहला कंट्रोल करेक्टर है 10, ठीक है, ये 15 पे, और ये देखें ये 15, ये इंस्ट्रक्शन रिप्लेस हो गई, मूव डी एक्स कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग टू बाय मूव डी एक्स कॉमा 0015। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको यहाँ क्लियर होगी, क्लास में मैंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब हम ज़रा दोबारा इस प्रोग्राम को, ये जो लिखा हुआ है इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, ये प्रोग्राम यहाँ लोड कर लिया और इसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं, तो ट्रेस करते हैं हम।
आपको ये पिछली क्लास में बता दिया था कि ट्रेसी कमांड यूज़ करेंगे। तो पहली इंस्ट्रक्शन यूज़ होगी जो कि मूव 1,076B है, ठीक है। इससे पहले अगर आप आर की कमांड यूज़ कर लें तो इस वक्त जो मुख्तलिफ रजिस्टर्स हैं, ये देखें DS में कोई और नंबर है, ठीक है, लेकिन हमारा डेटा सेगमेंट जो है उसको, जिसमें ये स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू डिक्लेयर हुई हुई हैं, ठीक है, वो 076B उसको एलोकेट हुआ है। तो हम अब जब ट्रेस करेंगे तो देखें, पहली इंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे नज़र आ रही है वो मूव AX,076B, विच इज़ दिस वन, वेरी फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ योर प्रोग्राम। और IP में इस वक्त 00 होना चाहिए, IP में 0000 है जो इसका एड्रेस है, ठीक है। और ये इंस्ट्रक्शन 3 बाइट की है, ठीक है, ये 3 बाइट्स मूव 1,076B, ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, 1, 2, 3। तो IP पहली बात है, जब ट्रेस करेंगे तो ये देखें कि ट्रेस करने के बाद जब हमने पहली इंस्ट्रक्शन को ट्रेस किया तो एक तो AX में क्या आ गया, 076B, ठीक है, 076B। IP में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस आ गया, और वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन ये देखें, मूव 1,076B, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस 003 है, क्योंकि ये 3 बाइट की इंस्ट्रक्शन है, तो IP में ऑटोमेटिकली 003 आ गया। और ये जो थर्ड लाइन में ये नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपके सीक्वेंस में है, विच इज़ मूव DS,AX, मूव डी, ये नज़र आ रही है, ये इसका मशीन कोड है और ये इसका एड्रेस है। तो अब हम ट्रेस करते हैं, ठीक है, इसको ट्रेस किया तो बेसिकली DS में वो 076B, ये DS में वो सेगमेंट नंबर आ गया जो डेटा सेगमेंट को अलॉट हुआ है, वो यहाँ आ गया। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन मूव H,09, ट्रेस करें, फिर ट्रेस करें तो ये BX में 008 आ गया। अच्छा, हम इसका मतलब है कि हमारा इस सेगमेंट के अंदर 0008 से स्ट्रिंग वन जो कि गुड मॉर्निंग है, उसका पहला करेक्टर G यहाँ से शुरू हो रहा होगा। अच्छा, हम उसको ज़रा देख सकते हैं यूजिंग डंप इंस्ट्रक्शन, और मैं चलें 0000 से दिखा देता हूँ। तो ये देखें, ये आपको मैंने दिखा दिया हुआ डीबग का एक लेक्चर जिसमें इसकी इंस्ट्रक्शंस मैंने एक्सप्लेन की हैं, वो पहले देख लीजिएगा आप। तो ये बेसिकली 00 पे 01, 02, 03, ये 0000 ऑफसेट जो नज़र आ रहा है इन दिस सेगमेंट, तो उस पे 00 पे ये पड़ा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो 8 के ऊपर अगर आप गौर करें तो 8 के ऊपर 47 है, और 47 जो है वो बेसिकली कैपिटल जी का कोड है, 47 जो है वो बेसिकली कैपिटल जी का कोड है, और वो किस एड्रेस पे है, वो 08 पे है, और हमारे पास ये 08 ही मूव DX कॉमा वो जो ऑफसेट स्ट्रिंग वन लिखा हुआ था उसकी बजाय 08 ही आ रहा है, और 08 के ऊपर ही, ये 08 के ऊपर ही हमारा कैपिटल जी का कोड है। कैपिटल ए का कोड 41 है एक्स में, तो बी का 42 है, चलते जाएं तो कैपिटल जी का कोड 47 होगा, और ये देखें कैपिटल जी नज़र भी आ रहा है आपको यहाँ, ठीक है। फिर ओ लोअर केस ओ, उसका 6F है, लोअर केस ए का 61 है हेक्स में, तो 6F। फिर ओ नेक्स्ट ओ, उसका भी 6F। फिर डी लोअर केस डी, ठीक है, तो उसका 64, 61 है ना डी का, सॉरी ए का, तो बी सी डी, तो वो 64 होगा हेक्स में। फिर ये एक स्पेस है, स्पेस कैसे कि वो 20 हेक्स में है, डेसिमल में 32 है, यू नो। फिर एम का कोड, ठीक है, एंड सो ऑन। तो आगे चलते जाए तो यहाँ पे NING, NING, एंड दिस इज डॉलर साइन, ये डॉलर साइन का कोड है, ठीक है, ये डॉलर साइन का कोड है, ये जो डॉलर साइन है उसका कोड 24 है। अच्छा, उसके बाद जहाँ पहली स्ट्रिंग ख़त्म हुई उसका लास्ट करेक्टर जो कि डॉलर साइन है, उसके फौरन बाद जो है स्ट्रिंग टू, आपको याद होगा ये स्ट्रिंग टू जो हमने यहाँ पे डिक्लेयर की, उसका पहले दो कंट्रोल कैरेक्टर हैं 10 और 13, ये डेसिमल में है, ये न्यू लाइन पे लेके जाते हैं। तो जहाँ स्ट्रिंग वन का डॉलर साइन ख़त्म हुआ, डॉलर साइन का कोड है 24, उसके फौरन बाद ये 10 और 13, ये स्ट्रिंग टू का जो पहला कंट्रोल कैरेक्टर है ए विच आई मीन 10 विच इज़ ए एंड 13 विच इज़ डी, और उसके बाद वो एक्चुअल ये जो स्ट्रिंग है गुड आफ्टरनून कैपिटल जी 0A और 0D, यानी 10 और 13 के बाद कैपिटल जी का कोड, कैपिटल ए का चूँकि 41 है तो 47। फिर OOD स्पेस और आफ्टरनून स्मॉल ए FTER NOON,
ओ एन एंड देन डॉलर साइन, और ये यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। तो ये आप देख लें कि मेमोरी में यू कैन सी यूजिंग दिस डिबगर, यू कैन सी द मेमोरी कॉन्टेंट्स एज वेल, एंड यू कैन हैव द आइडिया कि किस तरह से मेमोरी में ये जो स्ट्रिंग्स हैं वो पड़ी हुई हैं, ठीक है। और मैंने इसी तरह से आपको एरेज और बाकी वेरिएबल्स जो हैं उनका भी बताया था क्लास में कि वो किस तरह से मेमोरी में जाके उनको जगह एलोकेट होती है। बट एनीवे, अब हमारी ये तो मैंने सिर्फ डेटा दिखाया आपको जो ये दोनों स्ट्रिंग्स पड़ी हुई हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि ये किस तरह से मेमोरी में स्टोर हो रही हैं, और अकॉर्डिंगली जो एड्रेसेस हैं स्ट्रिंग वन और स्ट्रिंग टू को वो यहाँ पे आपको डिबगर के इस कोड में जब अनअसेंबल किया है तो वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारी एग्जीक्यूट होनी ना वो आप दोबारा देख लें, आर की कमांड करके, तो वो बेसिकली आईपी में 00A पड़ा हुआ, और यहाँ पे इंटरप्ट 21 की कमांड है जिसका मशीन कोड ये है, और ये इस एड्रेस के ऊपर कोड सेगमेंट में ये पड़ी हुई है। डेटा सेगमेंट का सेगमेंट नंबर है 076B, जबकि ये जो सेगमेंट नंबर इसको नज़र आ रहा है ये इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है, और ये इंस्ट्रक्शन का ऑफ सेगमेंट एड्रेस है, और ये उसका ऑफसेट एड्रेस है, और इंस्ट्रक्शन का सेगमेंट एड्रेस कोड सेगमेंट में होगा। और आप देख लें कोड सेगमेंट यहाँ पे 076A है, तो ये 076A नज़र आ रहा है, और ये उस कोड सेगमेंट के इस ऑफसेट पे ये इंस्ट्रक्शन पड़ी हुई है, ठीक है। जबकि डेटा सेगमेंट जो है वो 076B है, दिस इज़ सम डिफरेंट सेगमेंट नंबर, इसके अंदर हमारा ये स्ट्रिंग्स वगैरह पड़ी हुई है, ये जो डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं इंटरप्ट की कमांड को एग्जीक्यूट करूँगा, आपको बता पी के साथ एग्जीक्यूट करते हैं तो ये स्ट्रिंग वन को डिस्प्ले कर देगा विच इज़ गुड मॉर्निंग, तो ये गुड मॉर्निंग आपको नज़र आ गया है, ठीक है, दिस इज़ गुड मॉर्निंग। अब मैं स्ट्रिंग टू को प्रिंट करना चाह रहा था, ये वाला जो नेक्स्ट तीन लाइंस हैं ये EH में 09 दोबारा ना भी लाएं तो कोई मसला नहीं है, वो आपने EH में 09 पहले इनिशियलाइज किया हुआ है तो दैट इज़ ऑलरेडी देयर, बट जस्ट फॉर द क्लैरिटी पर्पजेस मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। मूव EH कॉमा 09, तो अब ये वाली इंस्ट्रक्शन चलेगी, ट्रेस करें, ठीक है, ये चलेगी, उसके बाद मूव DX कॉमा ऑफसेट स्ट्रिंग टू, तो स्ट्रिंग टू का स्टार्टिंग एड्रेस ये जो है ये कंट्रोल कैरेक्टर का, ठीक है, ये 0A का, ठीक है, ये ऑफसेट एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस इंटरप्ट के चलने से क्या होगा, वो स्ट्रिंग टू प्रिंट हो जाएगी, लेकिन न्यू लाइन पे भी आ जाएगी क्योंकि न्यू लाइन के स्टार्ट में ये दो कंट्रोल कैरेक्टर्स हैं जो न्यू लाइन पे लेके जाएंगे, और फिर वहाँ से ऑनवर्ड टिल डॉलर साइन वो स्ट्रिंग टू प्रिंट होगी, ठीक है। तो अब हम इसको ट्रेस करते हैं और देखें ये DX में 0015 0010 ये 11 12 13 14 और 15 ये 0A विच इज़ 10, ठीक है। तो ये स्ट्रिंग टू यहाँ से शुरू हो रही है विद कंट्रोल कैरेक्टर्स, तो वो DX में ये ऑफसेट एड्रेस आ जाएगा। और अब जब इंटरप्ट को एग्जीक्यूट करूँगा तो न्यू लाइन यहाँ तो नज़र नहीं आएगी लेकिन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पे ये गुड आफ्टरनून उसने डिस्प्ले कर दिया। और उसके बाद आप प्रोग्राम को जब 4C के साथ प्रोग्राम को है तो प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा एंड दैट्स इट। अच्छा, एक चेंज मैं यहाँ करने लगा हूँ, कैन यू गेस व्हाट विल बी द आउटपुट। मैं ये करने लगा हूँ डिलिब्रेटली, इंटेंशनली मैं ये काम करने लगा हूँ कि मैं ये डॉलर साइन स्ट्रिंग वन के एंड पे जो है वो ख़त्म करने लगा हूँ, ठीक है। स्ट्रिंग वन के एंड पे डॉलर साइन जो है मैंने डिलिब्रेटली ख़त्म कर दिया, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोड यही है जिसमें सबसे पहले स्ट्रिंग वन को डिस्प्ले करवाया जा रहा है, ठीक है, यानी DX में ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग वन लाया जा रहा है, 09 सर्विस EH में इनिशियलाइज की जा रही है और इंटरप्ट कॉल किया जा रहा है, और उसके बाद 09 जो है सर्विस के साथ DX में ऑफसेट स्ट्रिंग टू ला के और इंटरप्ट 21 एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। क्या बता सकते हैं कि आप आउटपुट क्या होगी। मैंने सिर्फ डॉलर साइन स्ट्रिंग वन के एंड पे डिलिब्रेटली हटा दिया है, ठीक है। आए हम देखते हैं कि पहले इसकी आउटपुट होती क्या है, और फिर आपसे मैं चाहूँगा कि आप इसकी रीजनिंग जो है वो ज़रा तलाश करें, ठीक है। ये करेगा ये कि गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग प्रिंट करेगा, फिर न्यू लाइन पे गुड आफ्टरनून प्रिंट करेगा, और फिर न्यू लाइन पे गुड आफ्टरनून प्रिंट करेगा, यानी कि गुड आफ्टरनून दो दफ़ा प्रिंट कर देगा। लेट्स सी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को दोबारा असेंबल करते हैं, ठीक है। तो असेंबल करने के लिए आप क्या करें कि पहले इसको क्विट कर लें, बाहर आ जाए, और यहाँ
मैसम, ठीक है, दोबारा उसको मैसम और जो फाइल नेम है, फिर उसको लिंक और फाइल नेम, और अब उस फाइल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो इसने क्या किया है, गुड मॉर्निंग और उसके बाद गुड आफ्टरनून। प्रॉब्ली ये फाइल जो है, लेट मी चेक इट अगेन, इसको सेव कर दें। अच्छा, इसको हम दोबारा सुमेसम देन लिंक सो इसने क्या किया, गुड मॉर्निंग, उसके बाद न्यू लाइन पे गुड आफ्टरनून, और फिर गुड आफ्टरनून एक दफ़ा और प्रिंट कर दिया। तो गुड आफ्टरनून इस जगह इसमें दो दफ़ा डिस्प्ले हो गया है। तो कैन यू गिव मी द रीज़न, हमने तो वही कोड यूज़ किया, सिर्फ स्ट्रिंग वन के एंड पे जो डॉलर साइन था उसको डिलिबरेटली ओमिट कर दिया। ये करना नहीं है, लेकिन जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर ऐसा हो जाए तो ये बेसिकली हो क्या रहा है। हमने सबसे पहले, अगर आप गौर करें, तो हमने AH में 09 रख के और DX में ऑफसेट स्ट्रिंग वन और इंटरप्ट 21। तो आपको पता है कि बेसिकली सर्विस 09 के थ्रू जब हम इंटरप्ट 21 यूज़ करते हैं तो वो स्टार्टिंग एड्रेस हम स्ट्रिंग वन का DX में दे देते हैं, लेकिन वहाँ से वो चलता है और जहाँ तक उसे डॉलर साइन नहीं मिलता वहाँ तक वो जो भी पड़ा होता है स्ट्रिंग, जो भी कैरेक्टर्स पड़े होते हैं उनको डिस्प्ले कर देता है। अब हमने क्या किया कि हमने स्ट्रिंग वन का जब यहाँ ऑफसेट एड्रेस दिया तो वो इस जी के ऊपर आ गया, ठीक है, और यहाँ से ऑनवर्ड हमने ये मेमोरी में अभी थोड़ी देर पहले देखा था डिबगर के अंदर कि ये सारा कोड मेमोरी के अंदर पड़ा हुआ, ये डेटा पड़ा हुआ है, जी का कोड, फिर ओ का ओ, फिर डी, फिर स्पेस, फिर जहाँ ये जी ख़त्म होगा उसके बाद ये चीज़ आ जाएगी, फिर ये कोड आ जाएगा, फिर ये जी आ जाएगा और यहाँ जाके उसको डॉलर साइन मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम DX में ऑफसेट स्ट्रिंग वन कर रहे हैं तो वो यहाँ तक आ गया है इस जी के स्टार्टिंग एड्रेस पे, और जब हम 09 के थ्रू इंटरप्ट कॉल करेंगे तो वो यहाँ से ऑल द वे प्रिंट करता जाएगा करता जाएगा, ये कर जाएगा, यहाँ डॉलर साइन नहीं मिला इसलिए यहाँ रुकेगा नहीं, फिर ये चीज़, ये दोनों करेक्टर्स की वजह से न्यू लाइन पर आ जाएगा और चलता जाएगा चलता जाएगा, जैसे ही उसको डॉलर साइन मिलेगा यहाँ तक वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसके थ्रू उसने पहली स्ट्रिंग को प्रिंट करने के साथ साथ, चूँकि उसको प्रॉपरली टर्मिनेट नहीं किया था, तो उसने जो उसके ऑनवर्ड जो चीज़ भी पड़ी हुई है मेमोरी में उसको भी प्रिंट करता गया टिल के उसको एक डॉलर साइन मिल गया। तो इसके साथ वो गुड मॉर्निंग और इसने न्यू लाइन और ये गुड आफ्टरनून ये प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने 09 दोबारा और DX में ऑफसेट ऑफ स्ट्रिंग टू रखा, तो अब वो दोबारा यहाँ आएगा, ठीक है, स्ट्रिंग टू का ऑफसेट एड्रेस मीन ये 10, ठीक है ना, या 0A, और उसके बाद इंटरप्ट कॉल किया। तो अब पहले ये दो करेक्टर्स कंट्रोल करेक्टर्स जिसकी वजह से न्यू लाइन पे और फिर यहाँ पे गुड आफ्टरनून, तो ये गुड आफ्टरनून उसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। तो इसलिए ये, तो इसलिए जस्ट टू शो यू कि आपके जो स्ट्रिंग है वो प्रॉपरली डॉलर साइन से टर्मिनेट होनी चाहिए, ठीक है, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट, ठीक है। तो आई होप ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है ये आपको क्लियर होगी होगी, ठीक है। डिटेल जो थ्रेटिकल है वो क्लास में आप देख चुके थे, तो चलें जी हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।